अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक दो कमेंट्स थे, उनके जवाब भी देने थे। और आप ही को लग रही थी सुबह नाश्ते की, बल्कि वो एक कुनाफे की सैंडविच होती है उसकी भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चलो तुम्हें मुख्तार बेकरी ले चलती हूँ। वहाँ से इन्होंने ये वाला कुनाफे का सैंडविच बनवाया। इसके साथ साथ में एक कमेंट आया था, वो कह रही थी आप ख़ुद तो इतनी बदपरहेज़ी करती हैं दुनिया भर की, उल्टी सीधी चीज़ें खाती हैं और हमको परहेज़ का बोलती हैं। मतलब बहन, मैंने कब आपको बोला कि आप परहेज़ की चीज़ें खाएं? मैं तो कहती हूँ लिव लाइफ किंग साइज, मुझे तो खुद इतनी शुगर है और मैं दुनिया भर की मीठी चीज़ें खाती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला किसी को कि भाई आप परहेज़ करें और ये करें और वो करें। मैं सबके लिए दुआ भी बराबर करती हूँ और मैं अपने लिए भी दुआ करवाती हूँ सबसे, ताकि मैं सेहतमंद रहूँ। लोगों को नेगेटिव बोलने का बस कुछ लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ लिखने के कमेंट में, तो बहन बुरे के बजाय अच्छा लिख दिया करें। हाँ, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत जब लिखने में कर ही रही हैं तो कुछ अच्छा बोल दिया करें। चले, अल्लाह आपको भी खुश रखे। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो हमारा हौसला मज़ीद बढ़ाते हैं और हमें मज़ीद हिम्मत होती है कि हम मज़ीद इस तरह की और चीज़ें खाएँ, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी बच्ची का सिलसिला कुछ यूँ है कि अगर उससे पूछा जाए बेटी तुम्हारी शादी कहाँ करनी है, कौन से हॉल में, तो कहेगी किसी बेकरी में कर दें, वहाँ पे तंबू लगा दें, बल्कि बेकरी के अंदर ही जो है वो आप कुर्सियाँ बिछा दें, पीछे फूल लगा दें, ठीक है, तो मैं वहीं पे शादी कर लूँगी। उसको बेकरीज इतनी पसंद है और उसका एम भी है कि इंशाल्लाह वो इन फ्यूचर बेकरी खोलेगी, लेकिन उसमें बिकने के लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये खुद खाएगी सब कुछ ना, बेचेगी थोड़ी, ठीक है। तो बहरहाल हम ये थोड़ी सी सब्ज़ी खरीद रहे थे मियाँ साहब के लिए, उनको ये कूसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेकर तो आ जाती हूँ। ऐसी सड़कें चले भी जाते हैं उनकी, मियाँ साहब की पसंद वहीं रह जाती है फ्रिज में पड़ी पड़ी। मुझे नहीं पसंद उसे, कैसे खा लेते हैं? आपको पसंद है, आप खाती नहीं हैं? मतलब कभी कभी, मतलब उसे नहीं समझ आते। हाँ। वो ऐसे लगते हैं वो पड़े हुए फीके पड़े हैं उस प्लेट के अंदर। हाँ, पता नहीं कि लूसे जितने भी अच्छे बना लो ऐसा लगता है वो फीके हैं, पड़े हुए हैं बस। वो सिर्फ मरगूक में अच्छे लगते हैं, आप ही मरगूक में बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल मियाँ हमारे उतरे मेरे लिए फ्रूट्स लेने के लिए, उन्हें लग रहा था उनकी बीवी कमज़ोर होती जा रही है, तो वो मेरे लिए ढेर सारे फ्रूट्स लेने के लिए यहाँ पर रवाबी एक बहुत अच्छी सुपर मार्केट है, बहुत बड़ी सुपर मार्केट, उससे लेने के लिए वहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर किसी को तरबूज खाना हो तो रवाबी चला जाए, वहाँ से तरबूज ले, बहुत मीठा तरबूज होता है। अल्लाह जाने वो इंजेक्शन मारते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं या हम खुद बेवकूफ़ बनते हैं, हम हैं वैसे, ठीक है ना? तो अब पीछे पीछे फिर हम भी उतर गए, मियाँ कहने लगे बैठा नहीं गया तुम लोगों से गाड़ी में, मुझे पता था तुम लोग आओगे। फिर हमने भी थोड़े से इधर उधर हाथ मारे, हुदा की तरह सीखा हुआ तो बहुत है, हुदा से बहुत कुछ सीखा हुआ है, ठीक है ना? कैसे माँ बाप को लूटते हैं, हाँ, कैसे माँ बाप को लूटते हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे ना खाने पीने का बस वो है कि मैं खाने पीने में, हाँ जी, खाने पीने के लिए हम जो है वो जान भी दे सकते हैं अपनी। और ये जो है वो क्या बोलते हैं आप इनको, चाइनीज़ फ्रूट ना, चाइनीज़, हाँ, ये सुबह मैं आप ही लेके काट रही थी किचन में, मैंने बोला बेटा टमाटर इसमें डाल दो, क्योंकि मम्मी ये चाइनीज़ फ्रूट है, अल्लाह इतने लाल हैं ऐसा लग रहा है कि वो टमाटर है। बहरहाल अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा, हाँ, हम जा रहे हैं गोल्ड सुख की तरफ। मेरे पास ये ख़राब सी अंगूठी टूटी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि उसको एक्सचेंज करा लें, तो उसमें एक्सचेंज कराने में मेरे 1000 दिरहम लग गए। आज मैं फिर जाऊँगी उसको एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी सी मैनली है, नहीं थोड़ी सी मैनली है, सॉलिड है थोड़ी सी, हाँ जी, जैसे आदमियों को मंगनी पे अंगूठियाँ पहनाते हैं ना, मुझे इस तरह से आप ही ने वो अंगूठी दिला के दिए, ये पहने एलिफेंट, ठीक है। तो बहरहाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मेरे ख्याल में यही अंगूठी है जो मैंने ली है, ठीक है। इंशाल्लाह आज हम जाके उसको एक्सचेंज करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी दिखाएंगे हम आपको जो हमने लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल। जी जी, ऐसा लग रहा है किसी आदमी की मंगनी है और उसने उसने ये पहननी है। उसके बाद हम लोग निकले, ये है, उसके बाद हम लोग निकले, तो उसके बाद कहाँ जाना था आप ही? मुझे दिल चाह रहा था वहाँ जाने को, कहाँ? गीमात की तरफ ना, गीमात खाने के लिए जो अरबी गुलगुले होते हैं ना, वो क्या इज्जत दी हमने अरबी गीमात को गुलगुले, ठीक है, तो वो खाने थे, लेकिन वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोगों के घर में जो पानी की छोटी बोतलें होती हैं ना, जो हम सब मुंह लगा के पीते हैं और उसमें आधा खाना चला जाता है, और फिर जब किसी को भूख लग रही होती है खाना और पानी साथ में हो जाता है, किसी को देना हो तो बेटा अगर भूख लग रही है तो इसमें खाना भी, हाँ, मोहम्मद अपना पूरा खाना उस पानी की बोतल में डाल देता है,
और फिर वो हम बोलते हैं आप इसे तुम खा लो प्लीज़ इसको क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगती है। बहरहाल हम लोग बहुत दिनों के बाद निकले थे क्योंकि मोहम्मद के इम्तिहान अभी ख़त्म हुए हैं, तो हमने बोला चलो अय्याशी करते हैं, निकलते हैं बाहर। ये क्या बन रहा है अभी? दम का कीमा बन रहा है, इसका दम निकलेगा? इतना बुरा बना था आपने जो चावलों के साथ खाया था। कौन सा बनाया था मैंने बहन? तो इसमें क्यों डाल दिया? जो इतना बुरा बनाया था वो आपने इसमें डाल दिया। अच्छा था। हाँ लेकिन चावलों के साथ का नहीं था, मतलब मैंने के साथ। अच्छा 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 था, मतलब चावलों के साथ उसका कोई जोड़ नहीं था। हरी मिर्ची कीमा चावलों के साथ? हाँ हरी मिर्ची कीमा, आलू कीमा भी चावलों के साथ अच्छा लगता। रेसिपी सीखी उसने कितना बुरा। मैंने उसको इतनी बददुआएं दी हैं ना, जिसने ये रेसिपी मुझे सिखाई है ना टीवी पे, उनका चैनल है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ इस बात का, यूट्यूब पे चैनल है वो, पता नहीं वो अपना कुछ ना कुछ बनाने के लिए दूसरों का जो है वो राशन बर्बाद करती रहती हैं। मैंने भी बेवकूफ़ बन गई उनके हाथों, मैंने जो है उनकी रेसिपी आजमाई, अल्लाह माफ करे, मैंने उसको धूनी भी दे दी, धूनी भी ले ली उसके, मैंने सदक़े भी उतार दिए, मैंने बकरे भी उसके ऊपर से उतार दिए, बकरियां वो ले मुर्गियां भी उसके ऊपर सदका कर दी, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आया। मज़े की बात ये है कि एक तो मेरे हाथ में टेस्ट नहीं, और बनाया मैंने तो जो जो खा रहा था कह रहा था इसी के हाथ में टेस्ट नहीं है। तो आप ही बदनाम तो थी खानों के सिलसिले में, मज़ीद बदनाम हो गई। मुझे ऐसा लगता है जिनको खाने खाने का शौक होता है ना, पकाने का भी होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा आपके नहीं साथ है। वो ऐसा नहीं है बिल्कुल बेटा, क्योंकि मुझे अपने हाथ का खाना, वो तो जैसे ही आप पैदा हुई थी ना मैं समझ गई थी बेटा आप इस दुनिया की है ही नहीं, कुछ नहीं, तू है ही नहीं इस दुनिया की। बहरहाल ये मुझे दिल कर रहा था केक खाने का, बहन आप सुन ले मैं बिल्कुल परहेज नहीं करती, अल्लाह आपको खुश रखे, बिल्कुल भी परहेज नहीं करती है, ना ही बोलते हैं, ना ही हम कभी किसी को बोलते हैं, हमारी नानियां दादियों से जो हमने टोटके कभी सुने होते हैं वो हम आगे बोल देते हैं, ठीक है ना, हम कोई ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं भाई अपनी जिम्मेदारी पर कुछ करना है तो कर लो। बेटा शुगर के बारे में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल या परसों व्लॉग एक और आएगा उसमें आपके आपके चार पांच सवालात और भी हैं वो शेयर करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।